कोरोना की तीसरी लहर के आने का खतरा बरकरार है। इसे रोकने के सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियों पर ही सहारा दारोमदार है। इस लहर के आने से जान को जितना खतरा है उतना ही बड़ा चैलेंज जहान के सामने भी है। इस लहर के एक खतरे को भांप कर यूपी ने तो वीकेंड लॉकडाउन दोबारा लागू कर दिया है। कई और राज्यों में भी लोकल ट्रेन से लेकर सामाजिक समारोह में कम लोगों की अनुमति समेत लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियां जारी की हैं। इन पाबंदियों से पहले ही धीमी आर्थिक रिकवरी की रफ्तार और घटने की आशंका है। दरअसल रिटेल बिक्री पर कोरोना का कहर जारी है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश के कई हिस्सों में लगे लॉकडाउन से खुदरा बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। पाबंदियों की वजह से जून में रिटेल सेल जून 2019 के मुकाबले 50% घट गई है। रिटेलर्स का दावा है कि इस वक्त ग्राहकों के सेंटिमेंट्स बेहद कमजोर हैं। ऐसे में ग्राहक केवल बेहद जरूरी सामान पर ही खर्च कर रहे हैं। तो फूड इंडस्ट्री है उनको कम इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जो गहरी सकते में आ गई वो है स्पोर्ट्स यूटिलिटीज और उसके अलावा कपड़ों की जो गारमेंट इंडस्ट्री है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये तीसरी लहर जो है ये आने वाले समय में कोविड के पिछले जो नुकसान हुए हैं उनको कहीं ना कहीं क्यूमुलेट करती हुई आएगी, और अगर आई तो बहुत गहरी रिटेल मार्केट हिंदुस्तान की भी और वर्ल्ड वाइड काफी डैमेज में आ सकती है इससे। RAI का कहना है कि महामारी की वापसी से रिटेल कारोबार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन में सीमित समय और हफ्ते के आखिरी दिन में पूरी तरह से लगाए गए लॉकडाउन से बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। RAI के मुताबिक जून 2019 के मुकाबले पूर्वी क्षेत्र में इस साल जून में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके बाद पश्चिमी और दक्षिण में 50% जबकि उत्तर में 43% की गिरावट देखी गई है। RAI के रिटेलर्स पर किए गए बिजनेस सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 66% गिरावट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की बिक्री में आई है। जून 2019 के मुकाबले खाने पीने के सामान और किराना की बिक्री में 7% के साथ सबसे कम गिरावट दर्ज की गई। ब्यूटी वेलनेस और पर्सनल केयर सामानों की रिटेल बिक्री में 57% की गिरावट आई है। इसी तरह कपड़ों की बिक्री में 52% की गिरावट आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 40% की गिरावट आई है जबकि फुटवेयर बिक्री में 61% की गिरावट रही। हालांकि जून में बिक्री के आंकड़े मई के मुकाबले बेहतर रहे। अगर सुधार का ये ट्रेंड जुलाई में भी जारी रहा तो फिर रिटेल बिक्री के जल्दी ही प्री कोविड स्तर पर आने का भरोसा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सुधार की इस स्पीड के रास्ते में तीसरी लहर ब्रेकर बनकर आ गई तो फिर हालात और बिगड़ सकते हैं।